आपने अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस सुने होंगे कि मैं इन कामों का आदी हूँ। अक्सर हम कहते हैं ना किसी से कि मैं इसका आदी हूँ, मैं चाय पीने का आदी नहीं हूँ, मैं पहले कॉफ़ी पीने का आदी था। जब इस तरह की कोई चीज़ होती है हम बताते हैं कि हम ये करने के आदी हैं, फेमिलियर हैं। तो इसको हम दो तरीक़ों से बताते हैं। अगर आप किसी चीज़ के आदी हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो आप सब्जेक्ट के बाद इज एम आर यूज़ करेंगे प्रेजेंट के लिए, और अगर पास्ट में किसी चीज़ के आदी थे तो वॉज वर यूज़ करेंगे। उसके बाद आएगा यूज टू, और फिर किसी भी चीज़ का नाम जिसके आप आदी हैं। ठीक है, इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, बस आप किसी चीज़ के आदी हैं। अगर आप कोई काम करने के आदी हैं, जैसे मैं कहूँ मैं चाय पीने का आदी हूँ, तो अब इसमें एक एक्शन हो रहा है चाय पीना, तो इन सेंटेंसेस के लिए आप सब्जेक्ट के बाद इज एम आर यूज़ करेंगे प्रेजेंट के लिए, और अगर पास्ट में चाय पीने के आदी थे तो फिर वॉज वर यूज़ करेंगे। उसके बाद यूज़ टू आएगा, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। आपने ये नहीं देखना कि यूज़ टू है तो टू के बाद जो है सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, यहाँ पर यूज़ टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। इन सेंटेंसेस को हम दो तरीके से बनाएंगे। अगर किसी काम के आदि हैं, चीज़ के आदि हैं, तो नाउन आएगा यूज़ टू के बाद, यानी उस चीज़ का नाम। और अगर कोई काम करने के आदि हैं तो यूज़ टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, उस एक्शन की आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर पास्ट में बनाएंगे तो वॉज पर आएगा, प्रेजेंट में बनाएंगे तो इज एम आर आएगा। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मैं इसका आदि नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज टू इट। मैं इसका आदि नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज टू इट। अब इस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए यूज टू के बाद इट आया है। आई एम नॉट यूज टू इट, मैं इसका आदि नहीं हूँ। मैं चाय पीने का आदि नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज टू हैविंग टी। अब इस सेंटेंस में काम हो रहा है चाय पीना, इसलिए यूज टू के बाद हैविंग या टेकिंग आई एन जी फॉर्म यूज कीजिएगा। आई एम नॉट यूज टू हैविंग टी या टेकिंग टी, मैं चाय पीने का आदि नहीं हूँ। अब एक सेंटेंस पास्ट में देखें। पहले मैं कॉफ़ी पीने का आदि था, ठीक है, पहले मैं यानी कॉफ़ी पिया करता था, मैं कॉफ़ी पीने का आदि था, तो मैं कहूँगी सम टाइम्स अगो आई वॉज यूज टू हैविंग कॉफ़ी, आई वॉज यूज टू हैविंग कॉफ़ी। अब इज एम आर की जगह पे वॉज आ गई क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट का है। सम टाइम अगो आई वॉज यूज टू हैविंग कॉफ़ी। कोई बात नहीं, हम तो घर के काम करने के आदि हैं, नो प्रॉब्लम, वी आर यूज टू डूइंग होम चोर्स। अब चूंकि घर के काम करना एक्शन है, इसलिए यूज टू के बाद डूइंग यूज हो रहा है, वी आर यूज टू डूइंग होम चोर्स। वो लड़ाई झगड़े करने के आदि हैं, दे आर यूज टू फाइटिंग। वो लड़ाई झगड़े करने के आदि हैं, दे आर यूज टू फाइटिंग। मैं इन चीज़ों का आदि नहीं था, आई वॉज नॉट यूज टू दीज थिंग्स। अब देखिए इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस ये बता रहे हैं कि इन चीज़ों का आदि नहीं हूँ, तो यहाँ पे यूज टू के बाद दीज थिंग्स आ गया, आई वॉज नॉट यूज टू दीज थिंग्स, मैं इन चीज़ों का आदि नहीं था। पास्ट का है इसलिए वॉज आया, आई वॉज नॉट यूज टू दीज थिंग्स। मैं इतने काम करने का आदि नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज टू डूइंग सो मच वर्क। अब काम करना एक्शन है तो इसलिए यहाँ पे डूइंग यूज हो रहा है, आई एम नॉट यूज टू डूइंग सो मच वर्क। मैं बहुत काम करने का, इतने काम करने का आदि नहीं हूँ, आई एम नॉट यूज टू डूइंग सो मच वर्क। वो नशा करने का आदि था, ही वॉज यूज टू टेकिंग ड्रग्स, ही वॉज यूज टू टेकिंग ड्रग्स, वो नशा करने का आदि था। बच्चे तो खेलने के आदि हैं, चिल्ड्रन आर यूज टू प्लेइंग। बच्चे खेलने के आदि हैं, चिल्ड्रन आर यूज टू, फिर प्लेइंग आ जाएगा खेलने के लिए एक्शन, चिल्ड्रन आर यूज टू प्लेइंग, बच्चे खेलने के आदि हैं। मैं बिजनेस करने का आदि था, आई वॉज यूज टू डूइंग बिजनेस, आई वॉज यूज टू डूइंग बिजनेस। लेकिन मैं कस्टमर से बात करने का आदि नहीं था, बट आई वॉज नॉट यूज टू टॉकिंग विद कस्टमर्स। अब यहाँ पर एक्शन आ गया बात करना, लेकिन मैं कस्टमर से बात करने का आदि नहीं था, पास्ट का है, आई वॉज नॉट यूज टू टॉकिंग विद कस्टमर्स, आई वॉज नॉट यूज टू टॉकिंग विद कस्टमर्स। मैं कस्टमर से बात करने का आदि नहीं था। अब दो सेंटेंसेज आपके लिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा इनकी ट्रांसलेशन, कि मैं देर से जागने का आदि हूँ, मैं देर से उठने का आदि हूँ, और मुझे शिकायत करने की आदत नहीं है, मुझे शिकायत करने की आदत नहीं है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किन चीज़ों के आदि हैं, या किन चीज़ों के आदि थे, या कौन से काम करने के आदि हैं, या कौन से काम करने के आदि नहीं हैं। तो अब आप इन सेंटेंसेस को बनाइए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, इस स्ट्रक्चर को अपने कॉन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।